हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके। फाइनली हमारा नया माइक आ गया है और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा प्यारा सा हाउस, जो होने वाला है एक मॉडर्न हाउस वुड का। बहुत बढ़िया रहने वाला है यार हाउस वो। फाइनली मैंने उसका आधा हाउस बनाया था, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की अपनी, सारी रिकॉर्ड की वीडियो। पर दिक्कत क्या हुई, बीच में एकदम लाइट चली गई, लाइट, तो मेरा सारा बना बनाया हाउस बेकार गया। रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई गलती से, मैंने डिलीट कर दी रिकॉर्डिंग। फिर वो आधी रिकॉर्डिंग का मैं क्या करता, इसलिए मैंने ये बेस बनाया दोबारा, सारा घर तोड़ के फिर बेस रेडी किया है। ये देखो, ये बेस अपने घर का बना हुआ है। अब हमने इसे बस एक्सटेंड करना है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को और एक्सटेंड करते हैं इसे जल्दी से। इसे आठ आठ ब्लॉक ऊपर करना है सबसे पहले, दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गया। मैं इस दीवार को बना के सीधा आपको मिलता हूँ। चलो गाइस, देखो हमने कर लिया है रेडी, इतना रेडी कर लिया है। और आगे अब हमने ये करना है, इसे कवर करना है इस दीवार को पूरा ऊपर से नीचे तक। यहाँ से फुली उसे बंद कर देना तरफ से, बाद में इसका एक गेट छोड़ देंगे। मुझे लग रहा है कि वुड कम पड़ने वाली है, बाकी देखते हैं कितनी देर चलेगी। चलो ये हुआ, वुड आई थिंक और लेनी पड़ेगी चेस्ट में से, पता नहीं भाई पड़ी भी होगी या नहीं। अरे भाई वुड ही नहीं है। चलो फिलहाल इसका बनाते हैं। ओ भाई वुड अब कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी। चलो मैं आपको वुड बना के मिलता हूँ सीधा उधर। चलो गाइस, वुड हमें मिल चुकी है। अरे वो देखो, अरे 44 वुड मिल गई यार, आई थिंक इट्स इनफ। बाकी पता नहीं, हाँ भाई इनफ है या नहीं देखते हैं। चलो कंप्लीट करते हैं इसे। ये इतनी वुड ऊपर चेस्ट में पड़ी थी, इसलिए मैंने कहा ले लेता हूँ थोड़ी, आ जानी चाहिए। पर दूसरी वुड है, एक दिक्कत है, ये वुड दूसरे वाली है जो थिंक गंदी ना लगे तो बढ़िया रहेगा। चलो एक साइड हमने कर दिया कंप्लीट गाइस। देखो अब हमारी रहेगी दूसरे वाली साइड और ऐसे ही फुल करनी है। इधर एक लगा देता हूँ ये, और इधर बन जाएगा एक हमारा गेट। इधर से तोड़ता हूँ, लग जी। हाँ अब आई थिंक फिर भी थोड़ा बहुत जचेगा। चलो जल्दी से मैं वो लेके आता हूँ, क्या कहता है, गेट डोर लेके आता हूँ, डोर लगा देता हूँ वहाँ पे। आई थिंक इसमें पड़ा है डोर, बाकी हाँ दो डोर पड़ी हैं। और ये भी देख लूँगा, अगर अगर नीड हुई तो लगा दूँ। पहले डोर लगाता हूँ वहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या करना। गंदा लग रहा है बाकी। चलो ये इतना तो बना, अब यहाँ पे दो चार टॉर्चेस लगा दे। अब आगे बाहर करना था, क्या करना था, आई थिंक इससे आगे यार ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आगे मैं भूल गया कितने इसके ऊपर कितने लगाने थे, और वो देखता हूँ। अच्छा ठीक है, अब हमें इस वुड से एक दो तीन चार चार ब्लॉक अप, अब ये ऐसे एक्सटेंड करना है दूसरी तरफ से भी हमने।
अब ये भी बन गया, अब इसमें क्या करना है हमने, हैंड्स अब इधर लगाने हैं हमने एक एक हैंड्स। अब इसके बाद इसकी छत थोड़ी बहुत रहती है वो, और बाकी थोड़ा बहुत वो मैं आपको सीधा कंप्लीट करके मिलता हूँ एकदम। चलो गाइस देखो हमारा इतना घर बन गया, आपको छत से जाके दिखाता हूँ। आधा घंटा हो गया यार बैठे को, बहुत आराम आराम से बना रहा हूँ देख देख के। इतना बन गया, अब हमारे पास पड़ चुके हैं वुड की कमी, और कमी तो हो गई है। चलो मैं सोच रहा था पहले सो जाता हूँ और फिर देखूंगा हाँ भाई आगे क्या करना है। अब जाके पहले वुड इकट्ठा करके लाते हैं जाके जल्दी से, क्योंकि वुड का यहाँ पे ऐसी का वुड ही मिलेगी ज़्यादातर देखो तो शुक्र। चलो गाइस मैं आपको सीधा इकट्ठा करके मिलता हूँ वुड बहुत सारी। चलो गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद यार देखो इतनी सी वुड इकट्ठी हुई है, 64 24 24। अब जल्दी से मैं इसका वो बना लेता हूँ, वो प्लेन वाला वुड करके क्या कहते होते हैं उसे, कैसे बनाते हैं, हाँ इकट्ठा रख के जल्दी से मैं इसका वो बना लूँ उसके बाद। चलो गाइस फाइनली हमने बना लिया सारी वुड, वो बहुत टाइम लगा यार इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ बना के वो करना पड़ा मुझे, पर कोई दिक्कत नहीं हमने वो बना लिया है। अब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, पहले क्राफ्टिंग टेबल को घर के अंदर रख लूँ, इसमें अगर स्लैब पड़े हैं तो बहुत काम दे देंगे। नहीं है यार स्लैब नहीं है, चलो क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ इधर अंदर घर। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनानी है, ये पड़े तो हैं ना स्लैब तो क्या नीड है, पहले इसको कवर करते हैं। अब ये लगा दिया, अब हमें बनानी है स्टेयर्स। सबसे पहली स्टेयर आएगी यहाँ पे नीचे, उसके बाद इधर अपनी स्टेयर कंप्लीट। देखो ये हमारा छोटा रूम हो गया, अब इसके ऊपर हमने ये कंप्लीट करना है जो पहले मैं छोड़ के गया था, मेरी वुड खत्म हो गई थी। ये लो भाई अब लग रहा है ना बढ़िया एकदम। इस घर में और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी करूँगा एक दिन। अब ये हुआ, ये लो गाइस घर तो बना पूरा रेडी हो गया घर अपना। अब हमने लगानी है यहाँ पे ग्लास लगाने हैं, और कौन से लगाऊँ ये हमें सोच रहा हूँ, वाइट ही ज़्यादा बढ़िया लगे, वाइट का लुक आ रहा है। वाइट ग्लास उठाता हूँ मैं यहाँ, और चलो जल्दी से लगा देते हैं। मैं आपको चारों ओर ग्लास लगा के सीधा मिलता हूँ गाइस। चलो गाइस हमारा घर बन चुका है यार देखो भाई क्या बात है, आपको थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ छत के, भाई बहुत ही गदर लुक आ रही है, गदर जिसे कहते हैं, क्या बात है बहुत बढ़िया। अरे भाई वाह, अभी से इस जगह से है ना जो ये थोड़ा सा ऊंचा करना है मैंने, तो देखो वो लगाया उससे धुआं भी बाहर आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चिमनी है, बढ़िया लग रहा है। आपको अंदर से दिखाता हूँ जाके हाउस जल्दी से मैं। अरे हेल्थ कम हो गई यार, खाना खाऊं जल्दी से पहले। चलो अंदर आते हैं, देखो भाई एंटर करते ही सबसे पहले दो चेस्ट, ये है खाने की ये है वुड की चेस्ट होगी। इस साइड देखो ये अपने वैसे लुक के लिए स्मोकर लगाए हैं इतने सारे,
हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने खाना पकने के लिए रखा था, और ये भी लुक बहुत बढ़िया आ रही है, क्लासिक सी लुक आ रही है। इधर ऊपर देखो भाई, अभी तो ये देखो दो चेस्ट कितने बढ़िया लग रहे हैं, ऊपर ये लगाए हैं, ये भी देखो, ये एक बेड कोई मेहमान आए तो, और एक ये हो गया अपना, ये हो गया, और ये देखो दो बेड है भाई, क्या बात है, बढ़िया लग रहे हैं हद से ज़्यादा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये घर। अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो प्लीज़ यार, और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा है यार घर। चलो गाइस तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो किसकी डालूँ, GTA 5 या माइनक्राफ्ट, किस दोनों में से एक गेम की डालूँगा, बताओ कौन सी, माइनक्राफ्ट की सीरीज ही शुरू करूँ। अगली वीडियो में क्या बनाऊँ, फ़िश फार्म बनाऊँगा अगली वीडियो में, अगर चाहते हो कि अगली वीडियो में फ़िश फार्म बनाऊँ, ऑटोमेटिक फ़िश फार्म, तो लाइक करो, कमेंट करके बताना कि बनाऊँ या ना। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड लव यू गाइस।